हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सेंगर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले बेटा मैं बता दूं, इस चैप्टर को हम इसी वीडियो में सिंगल शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके कोई पार्ट्स नहीं होने वाले, पूरी वीडियोस आपको यहां मिलेगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको 1% भी डाउट नहीं बचेगा, 1% डाउट नहीं होगा, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चैप्टर 10th क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बी विद अस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। वीडियोस को बीच में मत छोड़िएगा। और मैं एक चीज आपसे बोल दूं, अगर आपको वीडियो ईमानदारी से देखनी तो ही देखिएगा, नहीं तो आप छोड़ के जा सकते हैं, यह आपकी चॉइस है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बीच में आप करेंगे ऊपर नीचे तो उसमें मजा नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चीजों को समझिएगा। हम पूरे चैप्टर्स को इस सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, थोड़ी सी बड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बड़ी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि सिंगल शॉट में ये वीडियो आपको मिलने वाली है। ओके, सो अवर चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो स्टार्टिंग विथ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते क्या है। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है क्या। देखिए, लीनियर का मतलब होता है लाइन, ओके, और इक्वेशन का मतलब होता है जिस भी एक्सप्रेशन में कोई इक्वल टू आ जाए तो वो कहलाता है इक्वेशन। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास है 2x प्लस वन, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्सप्रेशन, ओके। बट वहीं पे अगर मैं लिखूं 2x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, अब ये बन गया इक्वेशन। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन? इन 8th क्लास यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्रेशन, पढ़ा था आपने, ओके। इस क्लास में हम पढ़ेंगे इक्वेशन, और यही चैप्टर एज इट इज 10th क्लास में फिर रिपीट होगा। और यू वॉन्ट बिलीव बेटा, बट यहां से अब सोचिए, जब 10th क्लास में सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रही है तो 9th में तो पूछना बनता है, लाजमी है वहां पूछना। तो आप इस चीजों को बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ओके। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फर्क समझ में आया? अब देखिए, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इक्वेशन समझ गए आप। अब लीनियर का मतलब क्या है? ठीक है, मैं बता रहा हूं लीनियर का मतलब। लीनियर का मतलब यहां पर है लाइन से और डिग्री से। डिग्री का मतलब होता है पावर, और जब कभी भी किसी एक्सप्रेशन की पावर वन होती है, पावर वन होती है, तो उसको हम कहते हैं लीनियर। आप देखिए कितनी पावर है, वन, तो ये लीनियर हो गया, ओके। लीनियर समझ में आया? लीनियर का मतलब पावर, पावर कितनी, वन, और जब आप इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे देन यू विल ऑलवेज हैव अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन क्लियर इन टू वेरिएबल। दो का मतलब क्या होता है? दो होता है, ओके। तो हम यहां पे दो वेरिएबल्स लेंगे, और वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती है। वेरिएबल्स होते हैं ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट्स, कोई भी अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड, इनको हम कहते हैं वेरिएबल, ओके। तो ये बात हो गई आपके वेरिएबल्स की। तो ये वेरिएबल्स हैं, और मैथ्स में जो पॉपुलर वेरिएबल्स हम यूज करते हैं ग्राफ के केस में, दैट इज एक्स एंड वाई। We are going to use this two variables. सिर्फ x और y use करेंगे, क्योंकि आपने graph draw किया होगा, third chapter में आपने सीखा था ना, x axis होती है, y axis होती है, on x axis we plot the coordinates of x and y axis we plot the coordinate of y. So we have to use these terms simultaneously. Okay? अगर आपको वो concepts नहीं पता है तो आप जाइए, वो भी मैंने एक single video में पूरे chapter को cover कर रखा है, description में आपको उसके link मिल जाएंगे, या आई बटन पे मैं उसके लिंक यहां पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप आई बटन से भी उसको डायरेक्ट एसेस कर सकते हैं, ओके। नाउ सी, तो ये बात हो गई ए से लेकर जेड तक, एक्स एंड वाई तक वेरिएबल्स ही होते हैं। तो आपको समझना है लीनियर मतलब लाइन और डिग्री वन, एक्सप्रेशन इक्वेशन मतलब इक्वल टू होना, वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल। तो एक ऐसी इक्वेशन जो अपने साथ दो वेरिएबल लेके आए उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल,
एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। भाई दो वेरिएबल है, वेरी गुड है, दोनों की डिग्री कितनी है, वन वन, बिल्कुल सही सर, और इक्वल टू भी है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। अच्छा मैं बोलूं क्या ये है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, नहीं, क्योंकि यहां पे एक वेरिएबल है, तो इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन, इट्स अ इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये है, आपने एट क्लास में पढ़ रखा है, तो आई होप आपको फंडामेंटल समझ में आ गए, ये था बेसिक पार्ट। अब देखिए बहुत सिंपल सी चीज बेटा, मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आप अभी तक रटते थे, बट अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको रटने की जरूरत कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत से सीखी है चीजें जो आपको मैं सिंपल वे में बता रहा हूं, आप ढूंढेंगे आपको ये कहीं नहीं मिलने वाला। मैं जो अप्रोच बताता हूं बच्चों को, वह अप्रोच सिर्फ उस स्टैंडर्ड के लिए नहीं होता जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, ये अप्रोच होता है पूरी लाइफ के लिए। अगर आपको कुछ अच्छा सीखना है, अच्छा करना है, इफ यू वांट टू बी स्मार्ट, तो आप फॉलो करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, ट्रस्ट में रिजल्ट मिलने वाला है आपको। सो देखिए मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले भाई इक्वेशन है, तो ध्यान रखिएगा बेटा जो भी इक्वेशंस होती हैं उनका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकाला जाता है किसी के लिए भी, यह है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिएगा समझिएगा, एबीसीडी आती है आप सबको, चलिए देखिए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, और ध्यान रखिएगा इक्वल टू के बाद हमेशा जीरो लिखना है कॉन्स्टेंट में, हमेशा कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन किसके इक्वल होती है, जीरो की। कितने वेरिएबल्स हैं, दो हैं, एबीसीडी में पहले कौन आता है, एक्स या वाई, एक्स आता है, एक्स, ये बन गए स्टैंडर्ड इक्वेशन। कैसे बनाई, मैंने देखा आपने पहले एबीसी लिख दिया, फिर एक्स वाई लिखा, ठीक है। अब इस इक्वेशन से देखिए, इस इक्वेशन को देखिएगा, समझिएगा चीजों को, कि ये जो ए है, वेयर ए इज कॉफिशियंट ऑफ एक्स एंड बी इज कॉफिशियंट ऑफ वाई एंड सी इज कॉन्स्टेंट, ओके। कॉन्स्टेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कोई सा भी नंबर, जब नंबर अकेला होता है तो हम उसको कहते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक। अब देखिए मैंने आपको एक इक्वेशन दी, इधर ही मैं लिख देता हूं उस इक्वेशन को ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, ओके। आई एम रबिंग दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, आपने होप्स हो कि पैरेलल लिख लिया होगा उसको। मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताइए ए कौन है बेटा इसमें, ए कौन है, 3, बी कौन है, 4, सी कौन है, 1। आई क्वेश्चन में पक्का, तो हम एबीसी ऐसे निकालेंगे। एक चीज आपको जो बिल्कुल सेट करनी है दिमाग में अभी के लिए, टेंथ के लिए, इलेवेंथ के लिए, ट्वेल्थ के लिए और ट्वेल्थ के बाद के लिए, इक्वेशन हमेशा आप जीरो के इक्वल बनाएंगे, अगर नहीं है देन फर्स्ट मेक इट इक्वल्स टू जीरो। फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन दी, देखिएगा 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, जीरो के इक्वल है क्या, नहीं है ना, तो आप जीरो के इक्वल बनाइए, तो ये प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो गया। अब निकाल सकते हैं ए क्या हो गया, 2b क्या हो गया, माइनस 4, सी हो गया माइनस 4। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई होगी, बेसिक्स में दिक्कत है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो गया कैसे बनाया, पहले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट लिखा, ओके, फिर एक्स, फिर वाई। सेम यही चीज तीन वेरिएबल्स के लिए होती है जो आप 11th और 12th क्लास में पढ़ेंगे, 10th में भी नहीं है थ्री वेरिएबल्स, बता दूं मैं आपको, 10th में 2 वेरिएबल्स है, 11th और 12th में मिलेंगे आपको, कॉलेज में मिलेगा 3 वेरिएबल्स, ओके। सो स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज, नाउ एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है आपको इज द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, आपको बनानी है इक्वेशन। अब यहां पे दो चीज ध्यान रखनी है,
अगर मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे हिंट दी है, ये हिंट आपको कभी भी एग्जाम में नहीं मिलेगी। एक्सरसाइज में आपको मिलेगी, बट इंडिया की कोई सी भी ऐसी एग्जाम नहीं, चाहे वो बोर्ड हो चाहे लोकल क्लास हो, जहाँ पे हिंट देते हैं। अगर फिर भी आपके स्कूल टीचर्स हिंट देते हैं तो आप उनके पैर धो के पी लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। वैसे भी गुरु के तो पी सकते हैं यार। चलिए, तो द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स। उसने बोला है कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट कॉस्ट ऑफ नोट बुक बी एक्स, ओके, एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई। नोटबुक एक्स, पेन वाई। अब ये क्या बोल रहा है, जो नोटबुक है वो डबल है पेन से। अगर पेन 10 रुपए का है तो नोटबुक 20 रुपए की, समझे। अगर पेन 5 रुपए का है तो नोटबुक 10 रुपए की। और आप खुद सोचिए ना, नोटबुक महंगी आती है। एग्जैक्टली, एक कॉमन सेंस भी बात करें तो ठीक है। तो ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये देखो, ये पता है ये क्या है, ये क्या है, ये है एक्चुअल में हलवे में, जिसे हलवे में हम डालते काजू किशमिश बादाम डालते हो तो क्या करता है, इनहेंस द टेस्ट ऑफ हलवा होता है। बस ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ फ्रॉम दैट, भैया चार चांद लगा देता है आपके आंसर्स को, इसका कोई तुक नहीं होता। ओके, मैं आपको बता रहा हूं, आप सोचते हो इसको कब, मैं पहले सोचता था कब लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी लगाइए, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टीचर भी खुश, अरे अच्छा क्वेश्चन के हिसाब से चलेगा, कोई तो है जो क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा है। एग्जैक्टली, तो यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, हो गया ठीक, बन गई इक्वेशन। मैंने क्या बोला था, इक्वेशन के लिए इक्वेशन किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के, जीरो के इक्वल बनाइए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके, एनी डाउट, होना भी नहीं चाहिए ठीक। बस इसने बोला था इक्वेशन बनाइए। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर टू जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर टू है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अभी निकालना सिखाई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपके लिए, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं, जैसा मैंने बताया था वैसे ही लिखूंगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, जीरो फॉर जीरो, ओके। नाउ ये एक्स, ये ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओके। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया बेटा आपका, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं ये तो हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी जो हम करने वाले हैं दैट इज फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। इक्वेशन किसके इक्वल है, जीरो के। अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो जीरो के इक्वल बनाई है, फिर आप इसको सॉल्व करिएगा, ये माइंड में सेट कर लीजिए। 9th हो 10th हो 11th हो 12th हो, आप पहले जीरो के इक्वल बनाइए, देन इसको सॉल्व करिए। चलिए, पहला पार्ट क्या देता है आपको, पहला पार्ट जो दिया है दैट इज 2x + 3y = 9.35 के ऊपर बा। चलो, पहले इक्वेशन किसके इक्वल होनी चाहिए बेटा, जीरो के, तो ये प्लस का, तो इधर आके माइनस, ओके, करें सॉल्व। ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक, इट्स फॉर्म है ना, एफ ओ आर एम है ना, कभी हो जाता है तो आप देख लीजिए। वैसा नहीं कि मैं उसको पूरा लिखूं, मैंने कहा ना पहले कि मैं ज्यादा झुकना पसंद करता नहीं हूं नीचे, मैं कोशिश करता हूं कि यही यही फ्लो करें हम बोर्ड्स में, है ना, बोर्ड को ज्यादा, ठीक। चलिए, तो ए क्या हो गया बेटा आपका, ए हो गया इस केस में 2, बी हो गया आपका 3, एंड सी हो गया -9.35 के ऊपर बार। आगे बात समझ में पक्का। चलिए, पार्ट टू, इसका पार्ट वन हो गया, पार्ट टू पे इसको रब कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखिए, इसका पार्ट टू, हमारे पास इक्वेशन है x - y/5 - 10 = 0, तो ऑन कंपेयरिंग विथ
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। मैंने क्या कहता, शब्दों का खेल। देखिए वी हैव, मैंने जबरदस्ती ऐड कर दिया, वी हैव, अच्छा लग रहा थोड़ा देखने में, है ना। वी हैव, कंपेयर करिए ए, किसी भी नंबर वेरिएबल के साथ अगर कोई चीज नहीं दिख रही तो सबका मालिक एक हमेशा होता है, वो दिखता नहीं है लेकिन होता जरूर है। तो दिख नहीं रहा मतलब कौन है, ए हो गया आपका वन, बी कौन है, अगेन नहीं दिख रहा बी, तो वाई को छोड़ दो, जो बचा माइनस वन बाय फाइव, फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइड में है, इंटू में, पिंटू में है, चिंटू में है, तो लिख दो बस। और जो सी है आपका दैट इज माइनस टेन। ओके, मैंने क्या बोला, सिर्फ वेरिएबल को छोड़िए, कोफिशियंट को लिखिए, कुछ भी हो, कुछ भी हो। अच्छा मान लीजिए, चलिए अभी करते हैं आगे सॉल्व और आपको अच्छे से आइडिया लगता जाएगा। इसका थर्ड पार्ट भी देख लीजिए आप पैरेलल। ओके, थर्ड पार्ट दे रखा है माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स। पहले इक्वेशन को किसके इक्वल बनाओगे बेटा, जीरो के, बनाए जीरो के इक्वल, तो माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। फिर ये लाइन लिख दें, ये लाइन लिख दोगे ना, हाँ लिख दोगे ना, वेरी गुड, लिख भी देना। देखो मक्का ही नहीं करना क्योंकि मैं अभी वो चीजें वापस रिपीट करूंगा, दो क्वेश्चन में मैंने लिखी ना। अब आप सोचोगे सर आप तो पाप काट रहे हो, हमें बोल रहे हो कि पुण्य करो, अरे बेटा तुम्हारे तो काम आएगा ना, मैं तो बता दिया, दो उसमें बता दिया मैंने, फिर अननेसेसरी वीडियो बड़ी बनेगी, फिर आप बोलोगे सर बहुत बड़ी हो गई, ठीक है ना। तो ए कितना हो गया आपके पास माइनस टू, बी कितना हो गया थ्री, सी कितना हो गया माइनस सिक्स। ओके नाउ सी, बाकी के पार्ट्स आप देख लेंगे। चलिए फोर्थ भी देख लीजिए क्योंकि इधर एक कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता हूं, वो मिल जाएगा आपको, दैट इज एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई। इक्वेशन किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के। फिर क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद दिस, कंपेयर किया तो ए कितना हो गया आपके पास वन, बी कितना हो गया, सी तो दिखी नहीं ना भाई, अब जो चीज होगी ही नहीं वो क्या होगी, जीरो। अब मान लीजिए मैं इसमें बोलूं आपको, मैंने दे दी वाई इक्वल्स टू फाइव, वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, एक्स दिख रहा है क्या, दिख रहा है एक्स, नहीं दिख रहा ना, तो ए क्या हो जाएगा जीरो, वेरी गुड, ए हो जाएगा जीरो, है ना, और बी हो जाएगा आपका वन और सी हो जाएगा माइनस फाइव। और ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों कहलाएगी, क्योंकि यहां पे सिर्फ आपके पास एक वेरिएबल है। तो आई होप सो कि आप एक्सरसाइज 4.1 कर लेंगे। ओके नाउ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वी हैव इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन दी है बेटा, इक्वेशन जो दी है दैट इज y इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस फाइव। अब ये पूछ रहा है, इट्स एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, आपको एग्जाम में मिलेगा, पक्का मिलेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि विच ऑप्शन इज ट्रू, यूनिक सॉल्यूशन पहला, दूसरा ओनली टू सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। देखिए आप x की एक वैल्यू डालेंगे y की दूसरी वैल्यू मिलेगी, x की दूसरी डालेंगे y की दूसरी मिलेगी, x की तीसरी डालेंगे तीसरी, चौथी चौथी, पांचवी, ऐसे करके आप x की करोड़ों वैल्यू डालिए, करोड़ों मिलेगी, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ऑप्शन थर्ड, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके बेटा, है ना, तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट ना। अब क्वेश्चन टू जो है दैट इज राइट फोर सॉल्यूशंस ऑफ, अब यहां से आपका जो असली है चीज है जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्टार्ट हुई, यहां से टेंथ क्लास के टॉपिक्स भी स्टार्ट हुए। देखिए 2x प्लस वाई इक्वल्स टू सेवन, इसने क्या बोला है सॉल्यूशंस। अब भाई आप, मैंने बोला क्वेश्चन है तो आप उसका क्या करते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब उस क्वेश्चन का आंसर, वेरी गुड। तो यहां पे भी हम वो वैल्यूज डालेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उसको कहा जाता है सॉल्यूशन। बट हम यहाँ डालेंगे नहीं, हम यहाँ निकालेंगे। अब निकाला कैसे जाता है वो सीखिए आप, मैं बहुत सिंपल अप्रोच बता रहा हूं क्योंकि ये चीज आपके पूरे काम आएगी आगे वाले चैप्टर्स में, अभी हम कंप्लीट करेंगे ना आगे जो पार्ट्स पढ़ने वाले उसमें बहुत हेल्पफुल होगी, तो आपको ये चीज यहां करनी है। ओके नाउ सी, सबसे पहली चीज, दो आदमी खड़े हैं, यहां एक आदमी खड़ा है, 2x
वन बाय। अब मुझे बताइए, एक कंडीशन दे रहा हूं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, थोड़ा समझिएगा ठीक। किससे लड़ना आसान होगा, एक से या दो से? ऑब्वियस सी बात है, एक से। तो आप खुद सोचिए, मैथमेटिक्स में आप दो को क्यों छेड़ते हैं, उसको छोड़िए जो एक है, है ना, इससे जीतना आसान है, श्योरिटी इज मोर एज कंपेयर टू 2x। तो आप जो अकेला है उसको अकेला छोड़ दीजिए बस। तो देखिए y यही रह गया 7, ये प्लस का 2x वहां जाके, इसको आपने दे दिया इक्वेशन का नाम, ठीक है। किसको छोड़ा आपने, जो अकेला था, बिल्कुल अकेला था, आपने उसको और अकेला कर दिया, वो हो गया फ्री। अब फ्री हो गया, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली नाउ सी। अब आप क्या करेंगे, मर्जी से वैल्यू पुट करिए एक्स की। देखिए, पुट एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, और किसमें, इन इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन वन इसलिए नाम दिया। तो क्या आएगा, ये वाई y equals to 7 minus 2 into 0, y equals to 7 minus 2 into 0, ठीक है बेटा, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 7 आ गई, 7। एक बार क्या डाला आपने, 0, अब एक बार क्या डालिए, पुट x equals to 1, तो y की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, y equals to 7 minus 2 1 the 2, 7 में से 2 गए, इट्स 5, ओके। नाउ 2 मोर, कितने बोले हैं इसने, 4 बोले हैं, ठीक है, 4 बोले, तो आपको 4 निकालना है। नाउ सी, y इक्वल्स टू, अब हम क्या पुट कर देते हैं, चलिए लिख लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू 2, x 2 डालिए, तो 2 टू जा y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 टू जा 4, 7 माइनस 4 इट्स 7 माइनस 4 इट्स 3, ओके। नाउ फिर देखिए, आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब पुट x इक्वल्स टू माइनस 1 ले लीजिए, माइनस 1 भी ले लेते, देखिए 0 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2, छोटे नंबर्स लीजिए, ज्यादा बड़ा करेंगे बड़ा आएगा, सॉल्व करने में फिर आपको दिक्कत है, ठीक है, छोटा लीजिए, काम इससे भी उतने नंबर मिल रहे हैं, उससे भी इतने नंबर मिलने हैं, और सबसे बड़ा फायदा, छोटे नंबर्स को ग्राफ पे प्लॉट करना उतना ही आसान है जैसा टीवी में डोरेमोन देखना, उतना ही मुश्किल है बड़े नंबर को सॉल्व करना। देखिए जो जाके डोरेमोन बना रहा है, आपको बहुत मजा आता है एक घंटे का टेलीकास्ट देख के, दो घंटे का टेलीकास्ट देख के, आपको पता भी नहीं पड़ता, लेकिन उसके पीछे की मेहनत। अब आपसे क्या छुपा, मैं अपनी बता दूं, आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, आप सोचे कि वाह यार अपना तो काम हो गया, बट आपको यकीन नहीं कर सकते आपको इसको बनाने में मेहनत कितनी लगती, क्योंकि मैं कर रहा हूं मुझे पता है, और मिलना मुझे कुछ नहीं है उससे। आप सोच रहे कि हाँ ये वो सब्सक्राइबर्स एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं तो सिर्फ ये चीज कि बच्चा सीख रहा है, हो गया, काफी अपनी तो ये चीज है, ठीक। तो पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन डालिए, 7 माइनस 2 माइनस 1, 7 माइनस माइनस प्लस 2 वन जा 2, तो वाई की वैल्यू आ गई, हो गया ठीक। जब सॉल्यूशंस आ गए तो अब आपको करना क्या है, आपको बनाना है एक बॉक्स, ठीक, 1 2 3 एंड दिस वन इज 5, ओके, ये एक्स ये वाई। अब वैल्यूज डालते जाइए, एक्स 0 डाला फिंगर रख के, नहीं तो बच्चे गलत करते हैं, एक्स 0 डाला तो वाई 7, एक्स 1 डाला तो वाई 5, x2 डाला तो y3, x माइनस 1 डाला तो y9, ये बॉक्स। ऐसे करके आप इक्वेशंस को बनाएंगे। तो आई होप आपको एक पार्ट ये समझ में आया। नाउ वी आर सॉल्विंग नेक्स्ट पार्ट, नाउ सेकेंड पार्ट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे पता है आपको इसमें कंफ्यूजन होगा, इसमें मैं ये करवा देता हूं, और लास्ट वाला पार्ट आप खुद करेंगे, बहुत सिंपल है। चलिए सेकेंड पार्ट, वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट, दैट इज पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ठीक। तो किसको अकेला छोड़ेंगे, जो ऑलरेडी अकेला है, ये हो गया वाई इक्वल्स टू 9 माइनस पाई एक्स, दिक्कत नहीं है ना बेटा, वेरी गुड, इक्वेशन 1।
अब यहां पे दो चीजें आपको जो समझनी है, समझना ये है कि आपको इसका ग्राफ तो बनाना नहीं है जो दिक्कत देगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप ग्राफ बनाते हैं तो कोशिश करिएगा वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 इस फॉर्म में आए, मतलब इंटीजर फॉर्म में आए और फ्रैक्शन फॉर्म में भूल के भी ना आए, क्योंकि अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आएगी तो आपको सॉल्व करने में, ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगी और मैं नहीं चाहता कि आपको प्रॉब्लम हो। बट यहां पे अपन को सॉल्व तो करना है, बस सॉल्यूशंस निकालने, ग्राफ बनाना नहीं है। तो फ्रैक्शन में आए तो भी चलेगा, नहीं आए तो भी चलेगा, बट दो चीजें हैं यहां पे। पहला केस, या तो आप पाई की वैल्यू डाल दो या तो पाई की वैल्यू मत डालो, बट फिर भी अपन क्या करते हैं, अपन पाई की वैल्यू डाल देते हैं, अपन पाई की वैल्यू डाल देते हैं। ओके, कि चलिए अपन बिना पाई की वैल्यू डालते हैं। ओके, ये इक्वेशन बन गई। देखिए, पुट x इक्वल्स टू पहला जीरो, तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा, देखो y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू जीरो, जीरो पाई जीरो, तो 9 माइनस जीरो 9। ठीक, अब पुट x इक्वल्स 1, देखिएगा पुट x इक्वल्स 1 है ना, तो y इक्वल्स 9 माइनस पाई इंटू 1, तो क्या हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस पाई। ठीक, ग्राफ तो बनाना नहीं है तो ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन पाई यहाँ पे दिक्कत दे रही है, तो मैं आपको इसी को इम्प्रूव करके बता रहा हूं। आप सबको पता है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है। ठीक, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 22/7, नो इशू, पहले वाले से कोई लेना देना नहीं। अब देखिए, तो क्यों ना मैं भाई वो वैल्यू डालू x की जो किसका मल्टीपल है, 7 का, कट जाएगा 7 से, है ना, कट जाएगा ना भाई। तो देखिए, तो अपन डालते हैं x इक्वल्स टू 7, तो देखिए 22/7 इंटू 7, 7 से 7 गया, 9 माइनस 22। ओके, तो y इक्वल्स 9 माइनस 22, तो इट्स माइनस का 30। ओके, अब देखिए, अब पुट x इक्वल्स टू 14, अब मैं कितना डाल रहा हूं, x 14 डाल रहा हूं, 14 क्यों डाल रहा हूं पता ना आपको, क्योंकि इट्स अ मल्टीपल ऑफ 7, तो देखिए y इक्वल्स टू 9 माइनस 22/7 इंटू 14, 7 बन जा 7 टू जा, ओके 7 टू जा 14 और इट्स 44, 9 में से 44 गए, कितने बचे, देखिए 9 में से 44 माइनस कर दीजिए, इट्स 44 9, तो इट्स 40, ठीक है 3 और 35, ओके तो इट्स माइनस का 35। ऐसे ही पुट x इक्वल्स माइनस 7, भाई पहले 7 पुट किया था, माइनस 7 कर देता हूं, क्या इशू है। ठीक, तो देखिए y इक्वल्स 9 माइनस 22/7 इंटू माइनस 7, 7 से 7 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 22, तो इट्स 31। और फिर अपन ने बॉक्स बनाया था। ओके, हाँ छोटी मोटी अगर इनकेस एरर होती है बेटा तो देख लीजिएगा आप, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट मुझे होप्स हो कि आप समझ रहे, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला शूट कर रहा हूँ, पैरेलल है चीजें, तो कहीं छोटी मोटी गलती अगर होती है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम तहे दिल से। ओके, बॉक्स बना दें, चलिए ये बॉक्स, मैं छोटी मोटी गलती बता रहा हूं, मतलब माइनर कैलकुलेशंस की, हो सकता है कभी जैसे माइनस ये प्लस का 31 है तो मे बी सम करने पे कुछ हल्का सा ऊपर नीचे होता है कभी, इन केस वैसे तो होगा नहीं, बहुत रेयर केस है। एक्स वाई, चलिए एक्स जीरो था तो वाई, ऐसे फिंगर रख के, क्योंकि बच्चे क्या होता है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना करते, कुछ और होता कुछ है, इसका एक्स डाल दिया उसका वाई डाल दिया, गलत ग्राफ बन ही नहीं सकता। तो जीरो तो वाई 9, एक्स 7 तो वाई माइनस का 13, एक्स 14 तो वाई माइनस का 35, एक्स माइनस का 7 तो वाई 30। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो तो आप खुद कर लेंगे, इसका जो अगला पार्ट है दैट इज
इज क्वेश्चन नंबर टू थर्ड वी हैव x माइनस टू वाई इट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड x माइनस टू वाई इक्वल्स टू फोर. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हमें चेक करना है कि सॉल्यूशन है कि नहीं. मैंने क्या बोला, सॉल्यूशन जो होता है, देखिए जो सॉल्यूशन होता है बेटा, इट ऑलवेज सेटिस्फाई इक्वेशन. ये इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है. सॉल्यूशन हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा है, आप सबको पता है. फॉर एग्जांपल कुछ पार्ट वन दे रखा है, 0, 2 पहले कौन आता है एबीसीडी में, एक्स फिर वाई. तो ये हो गया एक्स का, ये हो गया वाई का. ठीक, अब एलएचएस में डालिए. ठीक, पुट एक्स इक्वल्स टू 0, y = 2 सिंस हम ले रहे हैं एलएचएस. क्या है एलएचएस, एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू 4. पुट करिए 0, 0 - 2 × 2 तो वी हैव माइनस का 4. क्या माइनस का 4 इक्वल है 4 के, नहीं. तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. और जब इक्वल नहीं मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है. नो 0, 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. ओके, ना एक और पार्ट देखिए इसका बेटा. सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है 2, 0 ठीक, 2, 0 दे रखा है अपना. अभी जो 2, 0 है वो कैसे काम करता है इसको देखिएगा. तो वी हैव इट्स 2, 0 तो पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0. पुट करिए इक्वेशन में, करिए इक्वेशन में पुट. देखिएगा LHS दिया x माइनस टू वाई, तो 2 - 2 × 0 वी हैव 2. क्या 2 इक्वल है 4 के, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4 इज नॉट इक्वल्स टू RHS. तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS. जब LHS RHS के इक्वल नहीं है तो नो 2, 0 इज नॉट सॉल्यूशन. ओके, ऐसे ही देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है विच इज थर्ड पार्ट 4, 0 अब देखिए 4, 0 है, मैं यही कर रहा हूं बेटा, इट्स अ थर्ड पार्ट. ठीक, 4, 0 तो डालिए पुट x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 0 करें पुट. तो x इक्वल्स टू 4 LHS में डालिए 4 - 2 × 0 4 = 4 ओके. तो इक्वल है RHS के, ठीक है 4 = 4 तो LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल हो गया. तो यस 4, 0 इज सॉल्यूशन ऑफ x माइनस टू वाई इक्वल्स टू 4 ओके. तो ये हो गया. तो ऐसे करके जो दो पार्ट से वो भी आप कर सकते हैं पैरेलल. Now we have last question of this exercise 4.2 question number 4. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 10th क्लास में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आपको बहुत मिलने वाले हैं. सो सारा फोकस इधर, हम चीजों को देखेंगे. देखिए आपको दे रखा है x equals to 2 and y equals to 1. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूं आपसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. ठीक ना, तो वी हैव आपको निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ की इक्वेशन दे दी है 2x + 3y = k ओके. 2x + 3y = k ना पुट x इक्वल्स टू 2 y = 1 करें वैल्यू पुट 2 × 2 + 3 × 1 = k 2 × 2 = 4 3 = k 4 + 3 तो के वैल्यू कितनी आ गई 7. ठीक है, मैं एक आपको एक होमवर्क एक दे रहा हूं, पहले ये आप करिएगा अभी क्योंकि है नहीं.
एक्स और वाई की वैल्यू लिख लीजिए, एक्स की वैल्यू लिख लीजिए 2, वाई की वैल्यू लिख लीजिए 0, और आपको निकालनी है इक्वेशन 2x + k = 5y। ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे अभी पहले। ठीक है, नाउ अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 4.3। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। अब ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, जो 10th क्लास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम में पक्का आने वाला है। तो x + y = 4, सबसे पहले तो आपको मैंने सॉल्यूशन निकालना सिखाए थे। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालेंगे सॉल्यूशंस को। सिर्फ हम कितने सॉल्यूशंस निकालेंगे बेटा, हम निकालेंगे 4 सॉल्यूशंस। मे भी हो सकता है आपके टीचर्स बोले 3, 2, 1, मैं आपको बोलूंगा 4। और 4 क्यों, मैं इसको बताऊंगा बाद में। ठीक, क्योंकि 4 सॉल्यूशंस निकालेंगे तो श्योरिटी ज्यादा है भाई, इतनी मेहनत करोगे तो गारंटी तो हो। कोई गारंटी दे नहीं दे, मैं आपको गारंटी दूंगा मैथ्स में सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन सही है कि नहीं। ओके, नाउ सी, देखिए किसी को भी फ्री करिए, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत है नहीं, दोनों अकेले बेचारे। एक्स को फ्री कर दिया तो आगे बात समझ में, इक्वेशन 1। ना पुट y = 0, y 0 डालेंगे तो x कितना मिल गया बेटा, 4। ठीक, अब पुट y = 2, तो x कितना मिल गया, 4 - 2, इट्स 2। ठीक, फिर पुट y = 3, तो 4 - 3, x कितना मिल गया, 1। फिर पुट y = 4, तो 4 - 4, x कितना मिल गया, 0। ओके, नाउ 1, 2, 3, 4, ओके, एक्स वाई, इधर देखिए x 4 y 0, x 2 y 2, x 1 y 3, x 0 y 4। चैप्टर का नाम क्या था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक बार फिर चेक कर लेते, देखिए मैंने क्या बोला था आपसे, ध्यान रखना है आपको। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे x बोला सही है लेकिन लिख गलत है, ये गलती आपसे भी हो सकती है, सो बी केयरफुल। वैसे मैं बाद में सॉल्व करता तो मुझे पता पड़ जाता, क्योंकि काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं तो अच्छे से पता है कि कहां क्या मिस्टेक होती है, तो इसलिए मैं कहता हूं आप। ठीक है, तो ये y की वैल्यू 4 है इसकी, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, x1 है, y3 है, x2 है, y2 है। ठीक है, ग्राफ बनाएं, मैक्सिमम x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू भी कितनी है 4, नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, बट फिर भी एक दो पॉइंट्स लेंगे कि नेगेटिव बुरा ना मान जाए। चलिए ये देखिए, मैं रफ बना रहा हूं बिल्कुल, और फिर भी मेरा ग्राफ एकदम स्ट्रेट जाने वाला है। x' y y' अगर आपको थर्ड चैप्टर नहीं आता तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करिए, सिंगल वीडियो में पूरा पैकेज है हमारा, पूरा कुछ भी इशू नहीं है, सिंगल वीडियो देखिए और पूरे नंबर ले जाइए एग्जाम में। और यहां पे भी ऐसा ही, पूरे नंबर मिलेंगे आपको फ्री के। नाउ सी, बीच में 0, देखिए पुट कर दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -1, -2, -3, -1, -2, -3, ये ऐसी प्लॉट करते हैं, इसकी नीड है नहीं वैसे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, चलिए पहला क्या है, x पे 4, y पे 0, मतलब पॉइंट यहां लाई करेगा बेटा, x पे 2, y पे 2, मतलब ये रहा आपका पॉइंट, देखिए x पे 2, y पे 2, ठीक, x पे 1, y पे 3, x पे 1 ये रहा, y पे 3 ये रहा, ठीक, ये देखिए सब एक ही पॉइंट, एक ही उस पर आ रहे हैं। फिर है x पे 4, y पे 0, मतलब ये रहा, x पे 0, y पे 4, मतलब ये पॉइंट है। अब देखिए अगर आप नोटिस करें तो सारे एक ही लाइन पे आ रहे हैं बस। अब 10th में पता क्या होगा, ऐसी ही आपको दो इक्वेशन दे देगा और दोनों इक्वेशन को एक ही ग्राफ में प्लॉट करना, हो गई 10th क्लास, और बोलिए आप। तो ये समझ में आया, अब ग्राफ बनाने के बाद इक्वेशंस को भी प्लॉट करिए, लिख दीजिए x = 4 - y, ये लिख दिया उसी लाइन के ऊपर, कहीं पे भी लिख दीजिए लाइन पे, लेकिन लिखना कंपलसरी है। तो ग्राफ बनाना है, अब देखिए कुछ कुछ स्कूल्स में पूछते क्या है बेटा,
वो लोग बोलते हैं फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, आपके इसमें नहीं है लेकिन कुछ स्कूल्स में पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल सो फॉर्म। ट्राइंगल दिख रहा है, वेरी गुड। ईयर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, मान लीजिए ये एक्स्ट्रा करवा रहा हूं मैं आपको, ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, सारी चीजें बता दी है मैंने, ये 90 डिग्री होता है, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं मैं, थर्ड चैप्टर में, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी। ओके देखिए, हाफ बेस कितना है, 1 2 3 4, हाइट कितनी है, 1 2 3 4, इट्स 8 यूनिट स्क्वायर। तो ये बात समझ में बेटा, बाकी के पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर लेंगे ना, ठीक है, वेरी गुड। बाकी के पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर टू वी हैव, देखिए जो क्वेश्चन नंबर टू है बेटा, इसमें आपको दे रखे पॉइंट्स 2,14, और आप सबको पता है ये जो 2,14 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू का जो आपको पार्ट दिया, दैट इज 2,14। अब ये पूछा कितनी लाइन पास हो सकती है, भाई कितनी लाइंस, कितने पॉइंट्स प्लॉट कर सकते थे हम उसमें, एक लाइन पे हजारों लाखों पॉइंट्स तो इनफाइनाइट थे, तो लाइन पे कितना पास हो सकती है, बहुत सारी पास हो सकती है, ऐसा कोई इशू है नहीं। बट इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनाने के लिए बहुत सिंपल सी टर्म है, ये किसकी टर्म है, एक्स, ये है वाई की, तो एक्स प्लस वाई और 2 + 14 = 16, एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक। एक ये भी बन सकती है इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है, एक्स का पॉइंट कितना है, तो ये 2x + 14y = 0, क्या कॉमन निकल रहा है, 2, तो x + 7y = 0, तो हो गया x + 7y = 0, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर टू। और उसने पूछा है इक्वेशन बनाइए, आपने दो इक्वेशन बना दी 1 and 2, और कितनी लाइन्स पास हो सकती है, भाई कितनी भी पास हो सकती है इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, हजार ड्रॉ करिए एक के ऊपर एक, कौन पैसे मांग रहा है आपसे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, अगेन अभी मैंने आपको सिखाया था, आपको दे दिया है पॉइंट 3,4, ठीक, और आपसे बोलता है फाइंड वैल्यू ऑफ ए। इक्वेशन है 3y = ax + 7, और बेटा ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार। तो इक्वेशन एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 3y = ax + 7, वेरी गुड, सही है सर, 3,4, ठीक है, करें एक वैल्यू निकालें, चलिए पुट पुट x = 3 y = 4। अच्छा पिछली बार में क्या दिया था, ऐसा दिया था है ना, वही है, अलग अलग तरीके से करवाएगा, हम करेंगे, हम हारेंगे नहीं, वी विल डू इट, डेफिनेटली डू इट, करें पुट। तो 3 × y कितना है, 4 = a × x कितना है, 3 + 7, 3 × 4 = 12, 7 प्लस का तो इधर आके माइनस का, और ये 3a, तो 12 में से 7 गए, इट्स 5 = 3a, तो 5/3 = a, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया कैसे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का आता है बेटा, और बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग गलती करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी फेयर इन द सिटीज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज 8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर इज इट इज 5, ठीक है, एक सिटी में जो टैक्सी का फेयर है वो पहले किलोमीटर के लिए फिक्स है 8 रुपीज, फिर उसके बाद अगर आप मूव करते हैं तो इट बिकम्स 5 रुपीज। देखिए सपोज क्योंकि आप 3 किलोमीटर चलते हैं, ओके, तो पहले किलोमीटर के लिए आपने दिया 8, फिर आप देंगे 5, फिर आप देंगे 5, तो टोटल कितने रुपीज हो गए, 18 रुपीज, मतलब फिक्स है 8 के। अब ऐसा कंपनी क्यों करती है, मान लीजिए आपसे 2 किलोमीटर का कंपनी का तो नुकसान है ना, तो कंपनी क्या करती है, शुरू के लिए चार्जेस ज्यादा रखती है, बाद के लिए कम कर देती है, यही चीज यही फॉर्मेट रेलवे भी फॉलो करती है। आप देखिए आप ज्यादा दूर ट्रेवल करेंगे तो भी उसका कुछ फेयर होगा, और जो कम दूर है उसके फेयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, समझ में आई बात। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल दिल्ली और नोएडा, ज्यादा फर्क है नहीं डिस्टेंस का,
बट फेयर लगभग सेम ही होने वाला है वहां पे। तो हमारे पास जो है लेट द, इसने बोला डिस्टेंस किस में लेंगे आप, एक्स, तो लेट द डिस्टेंस बी, लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी बी एक्स एंड टोटल फेयर बी वाई। तो भाई चला दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाली गाड़ी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके नाउ वो क्या बोल रहा है, फॉर फर्स्ट किलोमीटर एट, भाई अब बाद के किलोमीटर के लिए पांच, अब टोटल डिस्टेंस कितनी थी एक्स, वन माइनस क्या वन क्यू माइनस क्या, क्योंकि वन ऑलरेडी यहां पे काउंट हो चुका है, एक किलोमीटर के लिए एट रुपीज, तो फेयर होता है वाई। सॉल्व सिंप्लीफाई करिए, एट प्लस फाइव वाई जब फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स माइनस फाइव इंटू दिस फाइव इंटू दिस फाइव इक्वल्स टू वाई। तो जो इक्वेशन बनी हमारे पास दैट इज फाइव एक्स माइनस वाई, एट में से फाइव का इट्स, ये बन गई इक्वेशन। नाउ बेटा आप लोग को ग्राफ बनाना आता है, आता है ना, अब आप लोग ग्राफ खुद बनाएंगे, मैंने आपको सिखा दिया ग्राफ बनाना, अब जितने क्वेश्चन से मैं सिर्फ इक्वेशंस बना के ड्रॉप कर रहा हूं, अब बाकी के ग्राफ आप खुद बनाएंगे। ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है, आपको ग्राफ दिए हैं, आपको बताना है कौन सा ग्राफ किसका है, तो आप इजीली वैल्यू पुट करके देखिएगा, जो वैल्यूज अगर जिसको सेटिस्फाई करेगी वो ग्राफ उसका होगा, चूंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो ये आप खुद करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए मैं फिर ग्राफ, इफ द वर्क डन बाय द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स इज प्रपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ओके एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ऑल्सो रीड द ग्राफ वर्क डन ट्रेवल बाय द बॉडी इज, ठीक है वर्क डन दे रखा है आपको। सबसे पहले मैं बता दूं बेटा वर्क, वर्क का जो फॉर्मूला होता है साइंस में दैट इज एफ इंटू एस, ये वर्क का फॉर्मूला है, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है, एक फोर्स है फाइव यूनिट का, एफ की वैल्यू कितनी दी है इसने फाइव, फाइव न्यूटन दी है, ठीक है फाइव यूनिट दी है, तो एफ की जगह आप क्या रख देंगे फाइव, तो ये बन गया डब्ल्यू इक्वल्स टू फाइव इंटू, ये एस है, मैं एस स्मॉल में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, बट आपको लिखना है कैपिटल में, चलिए कैपिटल में ही रहने दीजिए, ठीक फाइव एस। अब ये बताइएगा ग्राफ डब्ल्यू और एस के फॉर्म में होगा, नहीं ना, तो आप क्या करेंगे, आप ग्राफ को लेट कर लीजिए, वर्क को क्या मान लीजिए, देखिए लेट वर्क डन बाय बॉडी बी एक्स एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट बी वाई, वो एक्स और ये वाई, इतनी बात समझ में आ गई। देयरफॉर इक्वेशन क्या बन गई, एक्स इक्वल्स टू फाइव वाई, बेटा सॉल्व कर लेंगे, ये इक्वेशन बन गई एक्स इक्वल्स टू फाइव वाई। अब देखिए यहां पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, इसने बोला है जो डिस्टेंस है एक बार आपको लेना है टू, ठीक है, और एक बार आपको लेना है जीरो, तो वाई की वैल्यू एक बार टू डालेंगे, ठीक है, तो पुट वाई इक्वल्स टू टू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टेन, फाइव टू सा टेन, और पुट वाई इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फाइव इंटू जीरो जीरो। ओके बाकी दो वैल्यूज आप मन से डालेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, वेरी गुड, ग्राफ आप खुद प्लॉट करने वाले हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन सेवन, यामिनी एंड फातिमा आर टू फ्रेंड्स ऑफ क्लास नाइन्थ एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट्स मनी फॉर द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, दो दोस्त हैं यामिनी और फातिमा, दोनों मिलके सौ रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, कितने रुपए सौ रुपए। अब कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है भाई, आपने और मैंने मिलकर कुछ किया, मान लीजिए सौ रुपए की चीज है, आपने पचास दिए मैंने पचास दिए, मान लीजिए मेरे पास पैसे कम है, आप भाई अमीर इंसान मैं गरीब इंसान, आपने साठ रुपए दे दिए तो मैंने चालीस दे दिए, तो हम दोनों ने मिलकर कितने दिए सौ रुपए, तो ऐसे ही वो दोनों दोस्त मिलकर देते हैं, ठीक है, तो लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मनी
कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय यामिनी बी एक्स एंड फातिमा बी वाई. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिलके कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों मिलके कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100. दोनों मिलके 100 कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक, इक्वेशन बना लीजिए, एक्स इक्वल्स टू 100 माइनस वाई बन गई. अब आप देखिए बेटा, ये है इक्वेशन नंबर 1. नाउ रिमेंबर वन थिंग, 100 बहुत बड़ी वैल्यू है, तो अब आप बताओ 1 to 1 डालिएगा, 10, 20, 100. मैं सीधा बॉक्स बना देता हूँ, देखिए और ग्राफ आप खुद प्लॉट कर लेंगे. ग्राफ बनाना आपको आता है, एक्स वाई. अगर मैं वाई की वैल्यू 50 डालता हूं तो एक्स भी कितना आ रहा है, 50, 100 माइनस 50. अगर मैं वाई की वैल्यू 40 डालता हूं तो 100 माइनस 40 60. अगर मैं वाई की वैल्यू 30 डालता हूं तो 70. अगर मैं वाई की वैल्यू 70 डालता हूं तो इट्स 30. अच्छा आप सोचे सर वाई की वैल्यू 0, भाई कंट्रीब्यूशन किया है, कंजूसी नहीं की, कंट्रीब्यूशन दोनों मिलके बनाएंगे ना, तो दोनों ने मिलके मिलाया है. ठीक है, ऐसा मत करिएगा आप लोग, देखिए पाप नहीं काटना बेटा ना, दोनों ने मिलके पैसा मिलाया है. सो ये चीज है. ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक रिलेशन दिया है फेरनहाइट और सेल्सियस का. ओके, एंड दिस रिलेशन इज नथिंग बट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमें जो रिलेशन दे रखा है, दैट इज रिलेशन ऑफ फेरनहाइट एंड सेल्सियस, एफ इक्वल्स टू 9/5c+32. ठीक, ओके, फेरनहाइट को आप मान लेंगे, सेल्सियस को आप मान लेंगे. उसने बोला है फर्स्ट पार्ट में कि सेल्सियस को आपको क्या मानना है, एक्स, एंड फेरनहाइट को मानना है वाई. तो लिख दूं, लेट एफ बी और टेम्परेचर ऑन एफ बी कितना है वाई, एंड सेल्सियस बी एक्स. इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल्स टू 9/5x+32. ये आपका है बच्चा होमवर्क, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे. अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा. उसने बोलिए कि वैल्यू पुट करिए, आप वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए. ओके, ना अब हम पहुंच रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज पे, विच इज मोस्ट सिंपल एक्सरसाइज. 2 मिनट और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ओके, नाउ लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, एक्सरसाइज 4.4, बहुत सिंपल, एग्जाम में पक्का मिलने वाली है. गिव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल्स टू 3. y इक्वल्स टू 3 इन, पहला पार्ट है इन 1 वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल. देखिए 1 वेरिएबल में 1 लाइन, 2 वेरिएबल में 2 लाइन. ठीक है, सीधी बात, नो बकवास. तो y है तो y की कर दीजिए, y की लाइन ड्रॉ की, ये पॉजिटिव ऊपर नीचे नेगेटिव, डैश बीच में होता है 0, 1, 2, 3, 3, 2, 1, एंड दिस वन इज 4, -1, -2 ले लीजिए, थोड़ा अच्छा दिखता है. आपको क्या प्लॉट करना है, y इक्वल्स टू 3, ये रहा हियर वी हैव y इक्वल्स टू 3 आंसर. 1 वेरिएबल में 1 लाइन, 2 वेरिएबल में 2 लाइन. अब लीजिए 2 वेरिएबल, x, x dash, y, y dash. We have 0. Okay? Now see. 1, 2, 3, 4, -1, -2, -1, -2, 1, 2, 3, 4. Okay? देखिए आपको क्या प्लॉट करना है, y equals to 3, ये रहा y equals to 3. एक बार ध्यान रखिएगा, 2 वेरिएबल में अगर पॉइंट y का है तो लाइन किसके पैरेलल होगी, x के. अगर पॉइंट x का है तो लाइन किसके पैरेलल होगी, y के. ये सारे क्वेश्चंस आप करने वाले हैं ग्राफ में, मैं बता दूं आपको, आप किस में ड्रॉ करेंगे, ग्राफ में करेंगे. तो यहां पे देखिए x कितना हो गया अपने पास, 0, और y हो गया 3. ओके, तो ये 1 वेरिएबल था, ये 2 वेरिएबल था,
नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसमें करना कुछ नहीं है, देखिए क्या करना है। सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज 2x + 9 = 0, x की वैल्यू निकालिए, 2x = -9, x = -9/2, x की वैल्यू हो गई -4.5। प्लॉट कर सकते हैं। अब किस में प्लॉट करेंगे आप इसको? x में। इसको किस में प्लॉट किया? y। तो आप इसको प्लॉट कर लीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा, x में है तो 2 वेरिएबल में किसके पैरेलल जाएगी लाइन? y के। ओके, सो आई होप कि आपको बेटा ये चैप्टर आया होगा समझ में। चूंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन चुकी है तो कोई इशू नहीं, मुझे आप लोगों पे भरोसा है कि आपने इन चीजों को देखा होगा, चीजों को समझा होगा। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती जाए और आप चीजों को एंजॉय करते जाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।